आज मैं आपको ढाबा स्टाइल हरा मूंग दाल बनाना बताऊंगी। आइए देख लेते हैं हमने इसके लिए क्या क्या सामग्रियाँ ली हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मूंग की दाल ले ली थी, जिसे अच्छी तरीके से धुल करके साफ़ कर लिया था और एक घंटे के लिए सोख करके रख दिया था। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को इस तरीके से कट करके ले लिया है, जिसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक को इस तरीके से कट करके ले लिया है। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को इस तरीके से कट करके ले लिया है। मैंने कुकर ले लिया है। अब मैंने जो अपना मूंग दाल आपको दिखाया था उसे हम इसमें डाल देंगे। मैंने अपने मूंग दाल को अपने कुकर में डाल दिया है। अब मैंने जो आपको कट किए हुए टमाटर दिखाए थे उसे हम इसमें डाल देंगे। मैंने जो हरी मिर्च और अदरक कट करके रखा हुआ था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने सभी चीज़ों को डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल दूंगी। मैंने अपने दाल में 1 लीटर पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें स्वादिष्ट नमक डाल दूंगी। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी 1 चम्मच। अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके सीटी लगा लेंगे। सीटी लग चुकी है। अब अपने दाल को खोल करके चेक कर लेते हैं। हमारा दाल बन करके तैयार हो गया है। आपको मैं एक बार चला करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसमें गरम किया हुआ पानी डाल दूँगी, क्योंकि हमारी दाल जो है वो गाढ़ी है। आपको जितनी गाढ़ी दाल पसंद है उतना पानी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं अपना तड़का तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पे एक तड़का पैन ले लिया है। अब मैं इसमें बटर डाल दूँगी 1 चम्मच। अब अपने बटर को मेल्ट होने देंगे। मेरा बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल दूँगी। हमारा जीरा तैयार हो गया था। मैंने इसमें 2 सूखी मिर्च स्टोर करके डाल दी हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने तड़के को तैयार होने देंगे। हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब मैं इसमें हींग डाल दूंगी 1 पिंच। अब हम अपने दाल में अपने तड़के को डाल देंगे। मेरी ढाबा स्टाइल हरी मूंग दाल बन करके तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।